रुचि, बीजेपी को तो एक बड़ा मौका मिला है, चुटकी ली जा रही है, अमेठी से क्यों नहीं उतरे राहुल गांधी, ये सवाल पूछा जा रहा है। और साथ ही ये भी भविष्यवाणी बीजेपी कर रही है कि अब रायबरेली को हारने का वक्त आ गया है और इसके बाद गांधी परिवार रायबरेली सीट भी छोड़ देगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, अब रायबरेली आए हैं और जिस तरह से नाम अनाउंस करने में देरी हुई है तो बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। इस समय हम गया प्रसाद शुक्ला जहाँ पे उनका घर है, यहाँ केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस का, जब से इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं रायबरेली से, नॉमिनेशन के पहले यहीं वो आती थी, यहीं पूजा अर्चना होती थी। गया प्रसाद शुक्ला जी की बहू हमारे साथ हैं, किस तरह की पुरानी यादें, जब इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आई थी तो आपके घर आई, क्या चुनाव अच्छे से होते थे? और तब हम लोगों की बहुत हल्की उम्र थी, अब तो हम बहुत उम्र वाले हो गए हैं ना, तो हमारे ससुर रहते थे वही आगे हर चीज़ में रहते थे, हमारे आदमी रहते थे, हस्बैंड अभी ख़त्म हुए तो वो लोग आगे रहते थे, हम लोग सहयोग करते थे, पूजा की तैयारी क्या करना है, हवन पूजा इनमें लगे रहते थे, यहीं से शुरू होता है यही हवन। सोनिया गांधी, सोनिया जी तो इस आंगन में करती थी, जितने बार आई इंदिरा जी अकेले रहती थी उस कमरे में, वो पूजा का कमरे में। अब जैसे राहुल गांधी हैं अमेठी में लड़ते रहे हैं, अमेठी में पिछला चुनाव हार गए, अब इस बार यहाँ रायबरेली आ गए, किस तरह की उम्मीद? अरे जीतेंगे भारी बहुमत से, अब कहीं जनता गद्दारी कर दे तो इसमें क्या, करा तो बहुत कुछ यहीं पर रायबरेली में, इतना विकास जो कुछ है सब इन्हीं लोगों की देन है, उसके अलावा तो किसी का कुछ है नहीं, अब जनता कहे समझे या ना समझे। इंतजार हो रहा है यहाँ पे घर पे, आपका नाम मैं जान सकती हूँ? आप मुझे जानती हैं जी, पहले से भी मैं आपको जानता हूँ, मेरा नाम कल्याण सिंह गांधी है। क्या माहौल यहाँ देख रहे हैं रायबरेली में, आप लोग इंतजार कर रहे हैं? देखो हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं, पुराने हैं, माहौल तो आप लोग देख रहे हो जिले में क्या है, लोग अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस का चुनाव वर्कर नहीं लड़ रहा है, पब्लिक लड़ रही है। इस परिवार का संबंध इतना पुराना है इस जनपद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से है, पंडित जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उसके बाद पहला चुनाव यहाँ से आज़ादी के बाद राहुल गांधी जी के दादाजी ने लड़ा 1957 का, और फिर उनकी दादी ने लड़ा 67 का, 71 का, 77 का और 80 का, और उनकी माताजी ने लड़ा 4 का, 6 का, 6 का बाई इलेक्शन, 9 का, 14 का, 19 का। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हमने देखा कि अमेठी भी तो गांधी परिवार का गढ़ रहा, राजीव गांधी से लेकर, तो वहाँ तो हार गए राहुल। नहीं देखिए वो कभी कभी परिस्थितियाँ होती हैं, चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी, चुनाव संजय गांधी भी हारे, इसमें तो कोई वो नहीं है, चुनाव है हार जीत होती है, लेकिन पब्लिक का जो इस परिवार से रिश्ता है वो अलग है, ये आप जान लीजिए। तरह की उम्मीद आपका नाम? तो आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो तो परिवार से रिश्ते को लेकर खुश हैं, रायबरेली में गांधी परिवार कॉन्टेस्ट कर रहा है इस बात से खुश हैं, लेकिन अमेठी के लोगों को जरूर निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेठी में जैसे ही कांग्रेस दफ्तर का रंग रोगन शुरू हुआ था वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी थी कि शायद गांधी परिवार का कोई सदस्य या राहुल गांधी ही अमेठी आएंगे और यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी न चुनकर रायबरेली को चुना है, क्योंकि रायबरेली में अभी तक 20 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 17 बार कांग्रेस ने यहां चुनाव जीता है। 2019 में मोदी लहर में भी कांग्रेस रायबरेली सीट को बचाने में कामयाब रह पाई थी और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने इस सीट का चुनाव किया है। अब अमेठी से केएल शर्मा को बीजेपी के खिलाफ यानी स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। पंजाब के रहने वाले हैं, कांग्रेस में कई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अमेठी रायबरेली का चुनाव सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लिए देखते रहे हैं। जब इनसे पत्रकारों ने बात की इनके उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद तो केएल शर्मा ने कैसा रिएक्शन दिया आप खुद देखिए। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। अभी भैया अभी कर रही है प्लीज।
तो केएल शर्मा थोड़े से चौक जरूर गए थे। केएल शर्मा को शायद उम्मीद नहीं थी कि अमेठी से उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाएगा, और यही वजह है कि इस तरीके का रिएक्शन उनका सामने आया है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे रिएक्ट करना है। देखिए, गोरखपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र माना जाता है। यहां से मौजूदा सांसद रवि किशन है और रवि किशन को ही यहां से मैदान में उतारा है। एक तरफ बीजेपी अपने गढ़ पर मजबूती के साथ लड़ रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने गढ़ को छोड़ती हुई नजर आ रही है, जैसा अमेठी में हमें देखने को मिला है। केएल शर्मा का क्या रिएक्शन आया, वो उसके पीछे की वजह क्या है, विजय लक्ष्मी हमें बेहतर समझा पाएंगी। विजय लक्ष्मी, क्या केएल शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अमेठी से मैदान में उतार दिया जाएगा स्मृति ईरानी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए? बिल्कुल नहीं थी प्राची, क्योंकि केएल शर्मा से हमारी मुलाकात लगातार होती रही इस दौरान, क्योंकि केएल शर्मा लोकसभा प्रतिनिधि रहे राहुल गांधी अमेठी में भी और रायबरेली में भी, और दिल्ली में पत्रकारों के लिए खास तौर पर अगर रायबरेली में कोई खबर जाननी है या कई बार अमेठी में कोई खबर जानी है तो केएल शर्मा एक चिरपरिचित नाम हम लोगों के लिए हुआ करते थे। लेकिन कहीं इस दौरान उनसे बातचीत में नहीं लगा कि उनकी उम्मीदवारी तय हो जाएगी। वो लगातार यही बात करते आए कि गांधी परिवार से ही अमेठी रायबरेली से उतरना चाहिए। बहरहाल, जहाँ तक बात अमेठी की है तो कांग्रेस का जो थॉट प्रोसेस है प्राची, वो हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये जो 24 का चुनाव है वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। अब उसको वो राहुल गांधी को लोकसभा अमेठी से लड़ा करके स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी नहीं बनाना चाहते थे। उनको लग रहा था कि राहुल गांधी का स्ट्रेचर इससे डाउन हो जाएगा, वो लगेगा कि स्मृति ईरानी से केंद्रीय मंत्री से लड़ रहे हैं। एक कारण तो ये हमें लगता है कि देखिए, इसके पीछे कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसके पीछे कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरेलल राहुल गांधी को खड़े करने की मंशा हो सकती है। लेकिन बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है, स्मृति ईरानी को एक मौका जरूर मिल गया है, जिसके बहाने अब राहुल गांधी पर भी चुटकी ली जाएगी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर भी चुटकी ली जाएगी।